शहर के सिग्नस अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में रात करीब 8 बजे आग लग गई। देखते ही देखते पूरा अस्पताल धुआं से भर गया। मरीजों की सांसें उखड़ने लगी। आनन फानन में आईसीयू व सामान्य वार्ड में दाखिल मरीजों को बाहर निकाला गया। मरीजों को एम्बुलेंस से कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। 8 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने पुलिस बल के साथ अस्पताल के बाहर रेलवे रोड को दोनों ओर से बंद करवाया। आग के लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। रात करीब 8 बजे अस्पताल कैंपस में डॉक्टर प्रवेश खड़े थे, तभी लैब टेक्नीशियन अमित ने तेजी से आवाज लगाकर बताया कि ऑपरेशन थिएटर में धुआं उठ रहा है। यह सुनते ही वे ओटी की ओर दौड़ पड़े, लेकिन जब तक धुआं पूरी तरह से फैल चुका था। रात करीब 9:45 बजे स्थिति सामान्य होने के बाद अस्पताल के मुख्य गेट को बंद कर दिया। सिग्नस हॉस्पिटल से 48 मरीज ट्रांसफर हुए, जिनको एम्बुलेंस के जरिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने पत्रकारों को बताया कि अब स्थिति सामान्य है और आग लगने की जांच की जा रही है। मौके पर FSL की टीम भी बुलाकर आग लगने की वजह जांच की जा रही है। दूसरी ओर हम आपको बता दें कि बड़ी तंग जगह में यह हॉस्पिटल बनाया गया है और मरीजों के निकलने व आम आदमी के आने जाने के लिए कोई भी दूसरा रास्ता इसमें नहीं है। फिलहाल यह सारा मामला जांच के घेरे में है। सर, कोई जानमाल का नहीं है? जानमाल का ऐसा कोई नुकसान नहीं, सभी को सुरक्षित हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। पता लगा है कैसे लगी आग? ऐसा अभी कोई कारण का पता नहीं है। फायर ब्रिगेड लगी हुई आग बुझा रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल में लेके गया जाएगा? कुछ ऐसे एम्बुलेंस है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल, वैसे मोस्टली कल्पना चावला हॉस्पिटल के लिए भेजे, बाकी ये पता नहीं है। पूरे करनाल भर से एम्बुलेंस, ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस। तो ये हमारे साथ मौजूद पुलिस के काफी एम्बुलेंस बहुत टाइम पहुंचे, आपका मैसेज आते ना सर, पुलिस का बड़ा रोल रहा है जी। मैं पानी भेजता हूँ, जो भी जैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी सिग्नस हॉस्पिटल में फायर का इंसिडेंस हुआ है, तुरंत जो है पुलिस मौके पे आ गई और कुछ पत्रकार साथियों ने और उन्हें जैसे इन्फॉर्मेशन थी तो फायर टेंडर और एम्बुलेंस जितनी हो सकती है तुरंत भेजा गया। अभी तक यही सूचना है कि कोई भी ऐसा कोई बर्निंग की किसी को इंजरी नहीं है, ना ही कोई कैजुअलिटी है। बाकी इवैक्यूएशन पूरी हो चुकी है और अभी सर्च बाकी करवा रहे हैं। सर, सिटी थाना पुलिस और भी पुलिस कर्मियों ने बहुत उमदा कदम किया है, SHO खुद मौके पर भी लगे रहे हैं। क्या कुछ रहेगा इनके लिए? अभी जान माल का कोई नुकसान नहीं हो सका सर? देखो, बहुत मेहनत करी, जैसे ही पता लगा तुरंत ये मौके पे आ गए। बहुत मेहनत से SHO सिटी ने, उनकी टीम ने काम किया। सर, कारण क्या कुछ रहा है? अभी वो चेक करवाएंगे, वो तो फॉरेंसिक की टीम भी हमने बुला ली है, एक बार सारा इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है पूरा करके पाएंगे। ठीक है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।